could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. The sun will spread your joy to the ones who lost their hope. स्विट्जरलैंड में और ये फेमस है सारे बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग के लिए। यस, जिसमें सबसे फेमस जो मूवी है वो है DDLJ। DDLJ के लिए ये जो टाउन है बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग हुई है उसके सॉन्ग्स की, उसके सीन्स की। तो दिखाते हैं आप लोगों को भी अब जी स्टार्ट। लेट्स गो। जी स्टार बहुत पॉपुलर है रिच लोगों में। यहाँ बहुत सारे अमीर लोग रहने आते हैं और बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें भी बहुत फेमस है। यहाँ पे वो अपना यूजुअली जो न्यू ईयर टाइम का वेकेशन होता है ना, वो यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं। आप यहाँ किसी भी सीज़न में आ सकते हैं, समर, विंटर, एवरी सीज़न दिस टाउन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। हम आए हैं अगस्त में जो कि समर सीज़न है और तब भी बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिच लोग आते हैं तो यहाँ पे हाई एंड ब्रांड्स का शॉप भी है। यहाँ पे आपको डोल्चे गबाना मिल जाएगा, लुई विटान, प्रादा, सारे हाई एंड ब्रांड्स हैं। दो बड़े बड़े बैंक भी है, इधर है क्रेडिट स्विस और इस तरफ है UBS। दो बड़े बड़े बैंक्स। यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग हुई है। DDLJ का एक मेन सॉन्ग जो है जरा सा झूम लूं, उसका जो शूटिंग है वो यहाँ की जो मेन स्ट्रीट है वहाँ पे शॉट हुआ है। और भी यहाँ पे शूटिंग लोकेशंस हैं और मेरे पीछे है इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो वहाँ जाके अब पता करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे और देख सकते हैं। हम लोग इन्फॉर्मेशन सेंटर के अंदर गए थे और जब बाहर आए तो थोड़ा सा बैठ गए, क्योंकि उसने हमें एक बहुत ही प्लेजेंट मगर एक लिटिल बिट ऑफ शॉक एंड सरप्राइज दिया। तो आपको दिखाते हैं कि वो क्या है। वो है ये पेपर। तो सौरभ गया बोलता है कि हमें बॉलीवुड मूवी का शूटिंग हुआ है ना यहाँ पे, उसके लोकेशंस का कहाँ पे हुआ है बता दो। तो उसके पास रेडी था ये प्रिंट आउट जिसमें लिखा हुआ है सारे लोकेशंस जहाँ पे कहाँ कहाँ पर शूटिंग हुई है और किस किस मूवीज की और क्या क्या सीन की शूटिंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं, ये भी लिखा है कौन से सीन की और ये भी लिखा है कौन से सॉन्ग की। तो मेजरली अगर देखेंगे ना तो दिल वाले दुल्हनिया का शूटिंग हुआ है और बचनाए हसीनों का शूटिंग हुआ है और जी स्टार जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे दो जगह शूटिंग हुआ है। एक तो ये जो मेन स्ट्रीट है मैंने बताई और एक बेकरी है, शायद वो पीछे था वो बेकरी, उधर शूटिंग हुआ है DDLJ का और बचनाए हसीनों का। और बाकी जो है वो सानन करके एक और जगह जो पास ही है यहाँ से, शायद पाँच मिनट का ड्राइव है यहाँ से, तो जाएंगे हम वहाँ भी। तो वहाँ पे शूटिंग हुआ है बाकी सीन्स का। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा बॉलीवुड और स्विट्जरलैंड का कनेक्शन है कि उनको पता है कि यहाँ पर टूरिज्म जो इंडिया से लोग आते हैं उनको ये देखना होता है, तो उनके पास पैम्पलेट रेडी है। आप उनसे जाइए, पैम्पलेट मांगिए और आपको सारे एड्रेस दे देंगे।
जी स्टार्ट के मेन स्ट्रीट पे तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, बट वहीं पे बहुत सारी साइड स्ट्रीट्स भी है जिस पे आपको ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ पे भी बहुत सारे शॉप्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं और ब्यूटीफुल वुडन हाउसेस हैं। वो है वही बेकरी जहाँ पे शूटिंग का मैं बात बता रही थी, वो यहाँ पर है, यहाँ पर भी हुई है दोनों ही मूवीज की शूटिंग, अर्ली बेक उसका नाम है। ये था जी स्टार्ट, बट अब हम जाने वाले हैं सानन, यस, जो कि जी स्टार्ट के पास ही है और वहां पे भी हुई है शूटिंग DDLJ की और बचना ऐसी नो, तो अब चलते हैं सानन। हम खड़े हैं वो फेमस सानन ब्रिज पे जहाँ पे शूट हुई थी DDLJ की, वो फेमस सीन जहाँ पे शाहरुख खान बोलता है काजोल को पलट और वो पलटती है। उधर पोस्टर भी लगा है, वैसे पोस्टर किसी दूसरे सीन का लगा है, बट यहीं पे हुआ था। टाउन बहुत अच्छा है सानन, बट ब्रिज तो ओके ही है, ब्रिज कुछ खास नहीं है। तो आप टाउन देखना आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, बट ब्रिज के लिए स्पेसिफिकली यहाँ तक आने का ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रिकमेंडेशन है। बट अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हैं DDLJ के, ज़रूर आइए इस ब्रिज पे, वो सीन को रिक्रिएट करिए और देखिए ये सानन टाउन को भी। वैसे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे है ना बहुत ही अच्छी सी एक रिवर बह रही है और अच्छा सा आवाज़ आ रहा है उसमें। तो सानन में हमने तीनों चीज़ें देख ली हैं जो तीनों फेमस है बॉलीवुड मूवीज़ के लिए, वो है ये स्टेशन जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, फिर वो ब्रिज जहाँ पे वो शूट हुआ था सीन, और एक एयरपोर्ट भी है जहाँ पे अगर आपको याद हो तो शाहरुख खान रेस अगेंस्ट अ प्लेन, तो वो भी देख लिया है और प्लेन को टेक ऑफ करते हुए भी देख लिया। तो ये तीन चीज़ें हैं और ये तीनों चीज़ें हमने सानन में देख ली है और आपको भी दिखा दिए। अब बात करते हैं कि आप स्टार्ट और सानन पहुँच कैसे सकते हैं। स्टार्ट आप ट्रेन या कार से इजीली आ सकते हैं। हम लोग यहाँ इंटरलाकन से ड्राइव कर आए थे। अगर आप जिनेवा, बर्न या लूसन से स्टार्ट आना चाहते हैं तो भी आराम से कार से आ सकते हैं। इंटरलाकन से स्टार्ट अराउंड 1 hour 30 minutes ड्राइव पर है, मगर आप बीच बीच में पिट स्टॉप लेते हुए ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए।
सिमिलरली और स्विस सिटी से भी यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। मॉन्ट्रेक्स एंड बर्न से भी जी स्टार्ट ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes की दूरी पर है। ज्यूरिख थोड़ा दूर है, तो अगर आप ज्यूरिख से यहाँ आना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 3 hours आपको यहाँ पे लगेंगे। एक बार आप गिश्तात आ गए तो सानेन वहां से सिर्फ 5 minutes ड्राइव पर है। वहां एक ही मेन रोड है, उस पर ड्राइव करते हुए आप सानेन आ जाएंगे। अगर आप डे ट्रिप पे आ रहे हैं तो गिश्तात सेंट्रल मार्केट के पास इंडोर पार्किंग में अपनी कार को पार्क कर सकते हैं और फिर इजिली गिश्तात टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड देन उसके बाद सानेन जा सकते हैं। वहाँ ट्रेन स्टेशन के पास पार्किंग है एंड अगर आप और भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो गैराज पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड ट्रेन से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो भी गिश्तात सारी मेजर सिटीज से कनेक्टेड है। एक्चुअली ट्रेन का रूट भी बहुत सीनिक है। वन ऑफ द फेमस गोल्डन पास ट्रेन रूट से आप गिश्तात आसानी से पहुँच सकते हैं। ट्रेन से इंटरलाकन अराउंड 1 hour 40 minutes दूर है एंड मॉन्ट्रेक्स भी अराउंड 1 hour 30 minutes की दूरी पर है। गोल्डन पास के अलावा भी लोकल स्विस ट्रेन चलती है जो आपको डिफरेंट स्विस सिटीज से गिश्तात लेकर आ सकती है। गिश्तात से सानेन जाने के लिए आप कोई भी लोकल ट्रेन से 10 मिनट्स में वहां पहुंच सकते हैं। घूम लिया है हमने सानेन टाउन जो कि DDLJ ने फेमस कर दिया है ऑफ कोर्स, और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे आज के होटल की तरफ जो कि है इंटरलाकिंग के पास में। ड्राइव करेंगे यहाँ से, ऑलमोस्ट 1.5 hour का ड्राइव है एंड वी विल चेक इन टू अवर न्यू होटल। यस, पहुँच गए हम लोग हमारे होटल और हमारे होटल का नाम है सी बुर्ग। ये हमारे होटल का नाम और ये है लेक साइड होटल। तो हमारे रूम से हो सकता है कि हमें लेक व्यू मिले। वैसे रिजर्व करते टाइम सौरभ ने करवाया है बट कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। बट लेक व्यू है ये होटल और अमेजिंग है। नीचे रेस्टोरेंट भी है तो देखते हैं कि अगर रिजर्वेशन मिलता है तो हम नीचे रेस्टोरेंट में खा भी लेते हैं। अब ऊपर चलते हैं और आपको रूम टूर देते हैं। ये है यहाँ पे बेड, क्यूट से बेड्स हैं दो। पहले डोर बंद कर लेती हूँ। हाँ, तो ये बेड है यहाँ पर, इधर कबर्ड्स हैं। और मेरे बैक में एक हो रहा है ना, आपको पता ही है मैं गिर गई हूँ और मुझे ऐसे जंप करके उस पर चली गई तो और दर्द होने लगा। बट ये है बेड। अभी देखते हैं वॉशरूम इधर। हाँ, उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी टेबल और दो चेयर्स रखी हैं और यहाँ पे है और हम लोगों के लिए उन लोगों ने दी है स्विस चॉकलेट्स हार्ट शेप। लेके जाएंगे, खाएंगे, लेके क्या जाएंगे, अभी ख़त्म हो जाएगी ये। और ये है वॉशरूम। हेलो, अब दिखाती हूं मैं सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम का, वो है यहाँ की बालकनी।
वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया होगा, बट मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन और डिनर बाकी है जो कि आएगा नेक्स्ट वीडियो में. तो आप देखते रहिए हमारी स्विस की ये ट्रैवल सीरीज, बट इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जैसे कि आपको पता ही है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी करिए. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय. इंस्टाग्राम और फेसबुक का हैंडल लिख दिया है, उसे फॉलो ज़रूर करिएगा. बाय.